मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घुटनों के बल बैठी तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कमलनाथ ने तंज किया है। उन्होंने लिखा कि अगर नेताओं के लिए जनहित सर्वोपरि है हो तो उन्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती है। शुक्रवार को मंदसौर के सुभाषरा में मंत्री हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सभा करने गए शिवराज मंच पर घुटनों के बल बैठ गए थे और जनता से वोट देने की अपील की थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा कि यदि नेता जनता को झूठे सपने ना दिखाए, झूठी घोषणाएं ना करे, झूठे चुनावी नारियल ना फोड़े, जनता से किए अपने हर वादे को वचन समझ पूरा करें तो उन्हें घुटनों के बल नहीं बैठना पड़ेगा। कमलनाथ ने आगे लिखा, जनता के झूठे लच्छेदार भाषण परोसकर मूर्ख ना समझें, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए सौदेबाजी से जनादेश का अपमान कर राजनीति को कलंकित ना करें, जनहित उसके लिए सदैव सर्वोपरि हो तो जनता उसे हमेशा सर आंखों पर बैठाती है, अपने सर का ताज बनाती है, उसको घुटने टेकने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पर सीएम शिवराज ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के समय जब भी कोई विधायक मंत्री अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे, कमलनाथ के पास एक ही जवाब होता था, पैसे नहीं है। लेकिन मामा कहता है विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, जो पैसे की कमी का बहाना लेकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए वो नेता कैसा। नेता तो वही है जो आड़े वक्त पर लोगों के काम आए, जो मुसीबतों के बीच से रास्ता निकाल ले। मैं आपको वचन देता हूँ कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और जनता की जरूरत के लिए कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दूंगा, लेकिन ये तब होगा जब हमारी सरकार रहेगी। ये बातें सीएम शिवराज ने कही। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र शोध से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।